पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सीनियर लीडर फवाद चौधरी का बयान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए चौंकाने वाला। मंगलवार को गिरफ्तारी के डर से भागने वाले इमरान के करीबी फवाद अब लगता है सेना के मुरीद हो गए। गिरफ्तारी से डरने वाले फवाद के सुर अब बदल गए। उन्होंने जो कुछ कहा उस पर हर किसी को हैरानी। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए भागते वक्त फवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। फवाद ने पिछले दिनों देश में हुई हिंसा की निंदा की, साथ ही साथ हिंसा में शामिल लोगों को सजा देने की वकालत कर डाली है। 9 मई को जब रेंजर्स ने इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तार किया तो उनके समर्थक भड़क गए। पूरे देश में हिंसा हुई, सेना के कई सीनियर अधिकारी भी बवाल की चपेट में आए। फवाद चौधरी इमरान की सरकार में प्रसारण मंत्री थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर आने के बाद फवाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो काफी शर्मनाक था। आर्मी हेडक्वार्टर्स पर हमला, लाहौर में कोर कमांडर के घर को जला दिया गया, ये घटनाएं शर्मिंदा करने वाली थी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान की फौज से जुड़ा, उसका दिल के आंसू रो रहा। फवाद ने कहा, पीटीआई से होने के नाते वो ये कहेंगे, ये घटनाएं शर्मनाक है, इन्हें कभी नहीं होना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें शामिल है, पीटीआई के हो या ना हो, उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान में जारी सियासी जोर आजमाइश के बीच मंगलवार को एक अजीब वाकया सामने आया। इमरान खान की पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने पुलिस को सामने देखकर कार से उतरकर दौड़ लगा दी थी। चौधरी के साथ उनके वकील भी भागे। इन सब ने इस्लामाबाद के हाईकोर्ट की बिल्डिंग में पहुंचकर सांस ली। चौधरी जैसे ही हाईकोर्ट के बाहर निकले तो उन्होंने पुलिस को अपनी कार की तरफ बढ़ते देखा। घबराए फवाद को गिरफ्तारी से बचने का कोई और तरीका नहीं सूझा। फवाद को पुलिस ने 2 दिन पहले 9 और 10 मई को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर पीटीआई वर्कर को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप। 2 दिन पुलिस कस्टडी में गुजारने के बाद फवाद को मंगलवार को ही हाईकोर्ट में पेश किया गया था। यहां से उन्हें एक मामले में जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद फवाद चौधरी अपने वकीलों के साथ हाईकोर्ट के बाहर निकले, कार में बैठकर घर जा रहे थे। इस दौरान मीडिया ने उनसे बात करनी भी चाहिए थी, लेकिन चौधरी ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में फिर से चौधरी का बयान आया, जिसकी वजह से हर तरफ सियासत तेज हो गई है।